और दूसरी ओर विपक्ष के नेता का यूएसपी है फॉल्स प्रोपेगेंडा, गलत प्रचार, यही बेसिक अंतर है। अब तथाकथित अठमानोमा पास व्यक्ति इन्वेस्टिगेटिव ऑफिसर कैसे बन जाएगा भाई? उसके लिए तो ग्रेजुएट होना आवश्यक है, मिनिमम ग्रेजुएट होना। नमस्कार, मेरा नाम शशांक पांडे और आप NBC 24 देख रहे हैं। बिहार में शराबबंदी है, लेकिन फिर भी बिहार में लगातार जहरीली शराब पीने से बिहार के लोगों की मौत हो रही है। ऐसे में नेता प्रतिपक्ष तेजस्वी यादव ने कल प्रेस कॉन्फ्रेंस कर बिहार सरकार पर कई गंभीर आरोप लगाए थे और कहा था कि बिहार सरकार चाहती ही नहीं है कि बिहार में शराबबंदी हो। अब जदयू के प्रवक्ता नीरज कुमार ने प्रेस कॉन्फ्रेंस कर पत्रकारों से बात करने के दौरान उन्होंने क्या कुछ कहा है, सुनिए। रूल ऑफ लॉ, कानून का राज, यूएसपी, और दूसरी ओर विपक्ष के नेता का यूएसपी है फॉल्स प्रोपेगेंडा, गलत प्रचार, यही बेसिक अंतर है। और स्वाभाविक रूप से विपक्ष को अपना अधिकार प्राप्त है, वो मुद्दों को जनता की अदालत में आपके माध्यम से जनता के बीच ले जाए। लेकिन मैं बदलते दौर में देख रहा हूं कि विपक्ष के नेता माननीय तेजस्वी यादव, जिनको राजनीतिक पर्यटक कहा जाता है, आज वो एक नई भूमिका में आ गए हैं। और नई भूमिका उनकी है, अब हम लोग जो इतना, आप तमाम लोग इस बात के गवाह है, जानकारी आपको है कि भाई पुलिस केस का इन्वेस्टिगेशन कौन करता है? इन्वेस्टिगेटिंग ऑफिसर। अब आजकल ही नया दौर में आ गए हैं, अब पुलिस के इन्वेस्टिगेटिंग ऑफिसर बन गए हैं, पॉलिटिकल इन्वेस्टिगेटिंग ऑफिसर, एक नया दायित्व ले लिया इन्होंने। तो तेजस्वी यादव, मालूम है ना आपको, इसके लिए भी पात्रता है, एबिलिटी होता है कि कौन बन सकता है इन्वेस्टिगेटिंग ऑफिसर। कोई क्राइम होगा, इन्वेस्टिगेटिंग ऑफिसर बनेगा। अब तथाकथित अठमानोमा पास व्यक्ति इन्वेस्टिगेटिंग ऑफिसर कैसे बन जाएगा भाई? उसके लिए तो ग्रेजुएट होना आवश्यक है, मिनिमम ग्रेजुएट होना, तब ना दरोगा की बहाली में, परीक्षा में पास कीजिएगा, उसके बाद आप अपना मामले को आप जांच उच करने का आपको अधिकार प्राप्त हो जाएगा पुलिस मैनुअल के अनुसार। अब वकील है ये नहीं है, उसके लिए वेलेंसी के लिए ग्रेजुएट की डिग्री माना जाता है इक्विवेलेंट, इन दोनों पात्रता आपके पास नहीं है, इसीलिए अनर्गल प्रलाप आप करते रहते हैं। तो सुना आपने, साफ तौर पर नीरज कुमार ने कहा कि हमारी यूएसपी जो है वो है सुशासन युक्त बिहार बनाने का, सुशासन की सरकार बनाने का, और तेजस्वी यादव की यूएसपी है हमारे ऊपर ऐसे ही आरोप लगाने का। वो करते कुछ नहीं है, कहते बहुत ज़्यादा है, वो जानबूझकर ऐसे आरोप लगाते हैं। पहले तो दिल्ली भाग जाते हैं, फिर सो जाते हैं, उठते हैं तो आँख मलते ही ऐसे कई गंभीर आरोप लगा देते हैं। पहले उनको कहिए कि पूरा बिहार को देख लीजिए। ऐसे ही तमाम खबरों के लिए जुड़े रहे हमारे साथ और देखते रहे NBC 24।